हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, वेलकम टू वी सोशियोलॉजिस्ट। जैसा कि आपने कहा था कि आपको डीपी मुखर्जी का कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है, कल्चरल डाइवर्सिटीज़, तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने आपके लिए वीडियो बनाया है, तो आप वीडियो के थ्रू इसको समझिए। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर डीपी मुखर्जी का कॉन्सेप्ट, कल्चरल डाइवर्सिटीज़। अगर हम डीपी मुखर्जी के शॉर्ट इंट्रोडक्शन की बात करें तो डीपी मुखर्जी का जन्म 1894 में बंगाल के एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। यानी कि 1894 में बंगाल के एक मिडिल क्लास ब्राह्मण फैमिली में हुआ था। इसके अलावा इनका पूरा नाम धूर्जटी प्रसाद मुखर्जी है। इन्हें मार्क्सवादी माना जाता है क्योंकि इन्होंने अपनी स्टडीज़ में मार्क्स के मेथड को अपनाया है, लेकिन खुद डीपी मुखर्जी ऐसा नहीं मानते। वो कहते हैं, मैं मार्क्सवादी नहीं हूँ, मैं मार्क्स शास्त्री हूँ। यानी कि मैं मार्क्सिस्ट नहीं हूँ, मैं मार्क्सियोलॉजिस्ट हूँ। इसके अलावा इनका डेथ ईयर है 1962। चलिए अब इनके थ्योरी जो कि इन्होंने दी है कल्चरल डाइवर्सिटी की, इस पर आते हैं। तो इनका ये कल्चरल डाइवर्सिटीज़ कॉन्सेप्ट डाइवर्सिटीज़ नाम की किताब से रिलेटेड है जो कि खुद डीपी मुखर्जी ने लिखी है। हमारी संस्कृति एक ऐसी संस्कृति है जिसकी खासियत है विविधता में एकता। ओके, यानी कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी। एक ऐसी संस्कृति है जो सारी संस्कृतियों को अपने में समाहित करने की इजाज़त देती है। यही कारण है कि डीपी मुखर्जी ने जो भारतीय समाज है, उस भारतीय समाज को एक व्यवस्था नहीं कहा है, एक सिस्टम नहीं कहा है, बल्कि एक प्रोसेस कहा है, एक प्रक्रिया कहा है, एक ऐसी प्रक्रिया जो सांस्कृतिक समन्वय और आत्मसात की प्रक्रिया है, यानी कि कल्चरल सिंथेसिस एंड एसिमिलेशन की प्रोसेस है, जो कि लगातार चलती रहती है। कोई नई संस्कृति हो या कोई नई प्रजाति, उसे अपने में किस तरीके से मिलाया जाए, इस तरीके की चुनौतियों का सामना करते हुए और उसका समाधान ढूंढते हुए भारतीय संस्कृति का विकास हुआ है। और यही कारण है कि इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि विविधता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। और इसी उद्देश्य के साथ, इसी एम के साथ टीपी मुखर्जी अपने कॉन्सेप्ट कल्चरल डाइवर्सिटीज़ को स्टार्ट करते हैं। यानी कि इनका एम है कॉन्सेप्ट का यूनिटी इन डाइवर्सिटी ऑफ इंडियन कल्चर, यानी कि भारतीय संस्कृति की विविधता में एकता को स्पष्ट करना चाहते हैं वो अपनी कॉन्सेप्ट के थ्रू। विविधता में एकता के अंतर्गत उन्होंने मुख्य रूप से किन किन चीज़ों पे फोकस किया है? हिंदू मुस्लिम संबंध, ब्रिटिश काल के दौरान संस्कृति में होने वाले परिवर्तन, यानी कि व्हाट ही बेसिकली एक्सप्लेन्ड इन डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर, ही एक्सप्लेन्ड हिंदू मुस्लिम रिलेशनशिप एंड चेंजेस इन कल्चर ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड। अगर हम उसमें हिंदू मुस्लिम रिलेशंस की बात करें तो उसमें उन्होंने तीन आधार पर एक्सप्लेन किया है। नंबर वन है आपका ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिटिकल कंडीशन, राजनीतिक स्थिति के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिकल रिलेशन, आर्थिक संबंधों के आधार पर, ऑन कल्चरल बेसिस, सांस्कृतिक आधार पर। तो अगर हम राजनीतिक स्थिति के आधार पर बात करें तो हमारा देश भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर शुरू से ही हिंदू मेजॉरिटी में रहे हैं लंबे समय तक, लेकिन यहाँ पर आपको मुस्लिम शासकों का शासन दिखाई देगा। और इस शासन के दौरान क्या हुआ कि जो मुस्लिम्स थे उनके साथ हिंदू राजाओं की टेरिटोरियल
ट्रीटीज़ होती रहीं, संधियाँ होती रहीं, समझौते होते रहे दोनों के बीच में, ठीक है। जिससे क्या हुआ, हम हिंदू और मुस्लिम संस्कृतियों में साझेदारी और भाईचारे की भावना को देखते हैं, पार्टनरशिप एंड फ्रेटर्निटी की भावना को हम देखते हैं। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि राजनीतिक स्थिति के आधार पर किस तरीके से डाइवर्सिटी थी, फिर भी आपको यूनिटी देखने को मिलती है। अगर हम सेकंड पॉइंट पे आए, ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक रिलेशंस या आर्थिक संबंधों के आधार पर हमें क्या देखने को मिलता है कि अगर हम मुगल शासनकाल की बात करें तो उस टाइम पर क्या था कि हमारा एक हिंदू जो बहुल राष्ट्र था, यहाँ पर मुस्लिम्स का शासन था। तो ऐसे में जो सैनिक थे, सैनिक सरदार थे, वो मुस्लिम्स थे, ठीक है। और ज़्यादातर जो ज़मींदार थे, बड़े ज़मींदार, वो हिंदू हुआ करते थे। तो ये जो दोनों आपके सबसे उच्च वर्ग देखने को मिल रहे हैं समाज में, दोनों के हित समान थे और दोनों के हितों की समानता के कारण दोनों मिलजुल करके रहते थे। और जनता का उस समय पूरी तरीके से शोषण हो रहा था। उस समय जनता अन्य संस्कृति के भारत आने पर विरोध भी नहीं जताती थी, क्योंकि उस समय सांस्कृतिक चेतना की भावना नहीं थी उनमें। इसलिए हम उस समय, उस पुराने समय में किसी तरीके का वर्ग संघर्ष या क्लास कॉन्फ्लिक्ट जैसी कोई भी समस्या देखने को नहीं मिलती है। तो हम पाएंगे कि हिंदू और मुस्लिम्स दोनों आराम से यहाँ पर रह रहे थे, जबकि जनता का शोषण हो रहा था फिर भी। तो ये आपका हो गया इकोनॉमिक रिलेशंस। इसके अलावा अगर हम कल्चरल बेसिस की बात करें, तो सांस्कृतिक आधार पर साहित्य हो गया, वेशभूषा, रहन सहन, खान पान, ये सारी चीज़ें दोनों संस्कृतियों की एक दूसरे से प्रभावित रहीं। अगर आपने हिंदी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि मुस्लिम जो हैं वो सूफी मत से रिलेटेड हैं और जो हिंदू हैं वो भक्ति संप्रदाय से रिलेटेड हैं। तो ये दोनों जो संप्रदाय थे, दोनों एक दूसरे से निरंतर प्रभावित थे उस समय। इसके अलावा क्या देखेंगे आप कि जो हिंदू हैं उनमें बर्थ रीबर्थ को माना जाता है, ठीक है, जन्म पुनर्जन्म को माना जाता है। इसके अलावा हिंदूज मानते हैं, उनके धर्म में ये मान्यता है कि जो सुख दुख का कारण है वो भाग्य है। इसके अलावा जो मुस्लिम्स हैं उनके रिलीजन में ऐसा कुछ भी नहीं है, जिसकी वजह से आप क्या पाएंगे कि जब भी कोई संकट की अवस्था आती थी तो मुस्लिम उस समय उस स्थिति का पूरा फ़ायदा उठाते थे और अपनी शक्ति बढ़ाने का काम करते थे वो। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि सोसाइटी में डाइवर्सिटीज़ थी, विविधताएं थी, इसके बावजूद दोनों मिलजुल करके रहते थे और एक समन्वय की संस्कृति, एक सिंथेसिस की कल्चर को जो है जन्म देते हैं। इसके अलावा अगला बिंदु जिसका विश्लेषण डीपी मुखर्जी ने किया है वो है इम्पैक्ट ऑफ वेस्ट या फिर पश्चिम का प्रभाव, ठीक है। तो पश्चिम का प्रभाव का विश्लेषण वो करते हैं और इसके अंदर उन्होंने अंग्रेज़ों के आने के बाद जो हमारी भारतीय संस्कृति है उसमें जो सामाजिक, सांस्कृतिक, वैचारिक और राजनैतिक जितने भी परिवर्तन हैं उनका विश्लेषण किया है उन्होंने। यानी कि ही एक्सप्लेन्ड अबाउट इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, आइडियोलॉजिकल एंड सोशल चेंजेस ऑफ इंडियन कल्चर विच वॉज अकर्ड आफ्टर ब्रिटिशर्स अराइवल, ठीक है। इसके अलावा डीपी मुखर्जी कहते हैं कि मेनली जो ब्रिटिशर्स के आने के बाद हमारी संस्कृति में परिवर्तन देखने को मिलते हैं वो आधुनिकीकरण और पश्चिमीकरण की प्रक्रिया के रूप में देखने को मिलते हैं। मीन्स
वेस्टर्नाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू हमारी कल्चर में जो है चेंजेस दिखाई देते हैं आपको। जो वेस्टर्न फिलॉसफी थी या पश्चिमी जो दर्शन था उसका प्रभाव भी लोगों पर बहुत अधिक पड़ा, यानी कि उसका प्रभाव जैसे कि अंधविश्वास की जगह लोगों के दिलों में तर्क आ गया, अंधविश्वास पूरी तरीके से ख़त्म होता हुआ दिखाई दिया। विज्ञान का प्रभाव आपको उस समय देखने को मिलता है। लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हुए, लोगों में धार्मिक चेतना की जगह मानवतावाद आया, ह्यूमनिज्म बढ़ा, स्त्रियों की स्थिति में आपको सुधार देखने के प्रयास, ठीक है, सुधार के प्रयास आपको देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो आपका वेस्टर्न कल्चर था, पश्चिमी संस्कृति थी, उसने भारतीय संस्कृति को पूरी तरीके से एक नया रूप देने का काम किया। इसके अलावा अगला पॉइंट जो डीपी मुखर्जी उठाते हैं वो है आपका कल्चर एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, संस्कृति तथा आर्थिक विकास। डीपी मुखर्जी ने भारत के आर्थिक विकास यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट को सोशल वैल्यूज से जोड़ करके देखा है, यानी कि सामाजिक मूल्यों से जोड़ करके देखा है। फॉर एग्जांपल, पुराने समय में क्या था कि जो व्यापार यानी कि ट्रेड से जुड़े हुए लोग थे, व्यापार और वाणिज्य से जुड़े हुए लोग थे, वो कुछ एक विशेष जातियों से ही संबंधित थे, यानी कि एक विशेष जाति के लोग ही व्यापार कर सकते थे, ठीक है। लेकिन जब अंग्रेज आए तब क्या हुआ, उस समय वो जो एक खास वर्ग ही व्यापार कर सकता था ये वाला कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया, ठीक है। अब मुग़ल काल में जो व्यापारी थे, जो व्यापार से संबंधित थे, उनकी समाज में बहुत अच्छी सी प्रतिष्ठा थी, अच्छी खासी प्रतिष्ठा थी, वो लोग राजा की हेल्प करने का भी काम करते थे। लेकिन जब अंग्रेजी शासन आया तो उस समय क्या हुआ, अर्बनाइजेशन बढ़ा, नगरीकरण बढ़ा, और नगरों का विकास तेज़ी से होने के कारण लोग नगरों की तरफ जाने लगे और एक नया वर्ग का उदय हुआ जो था मिडिल क्लास, एक नया वर्ग जिसे कहते हैं मध्यम वर्ग, उसका उदय हुआ और उसकी ही इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा थी उस टाइम पर। ये एक ऐसा वर्ग था जो पश्चिम के लोगों के रहन सहन आचार विचार से पूरी तरीके से प्रभावित था और उसको अपनाता था। इसके अलावा वो उनकी तरह रहने का प्रयत्न करता था, इसलिए भारत की संस्कृति में एक नई चीज़ जुड़ी जो कि था भौतिकवाद यानी कि मटेरियलिज्म, जिसमें क्या करते हैं हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बड़े बड़े खर्चे करते हैं। इसके अलावा उन्होंने कल्चर एंड लिटरेचर पॉइंट को उठाया है, जिसमें वो बताते हैं कि कैसे डिफरेंट डिफरेंट लिटरेचर रहे हैं और वो उन्होंने हमारी संस्कृति को प्रभावित किया है, और संस्कृति सिर्फ प्रभावित हुई है, संस्कृति ने किसी चीज़ का विरोध नहीं किया है, ठीक है, हमारी संस्कृति ने किसी भी चीज़ का विरोध नहीं किया है, वो बल्कि हर चीज़ से हमेशा से प्रभावित होती रही है, उसको अपनाती रही है। डीपी मुखर्जी कहते हैं कि जो संस्कृति और साहित्य का संबंध है वो पूरी तरीके से स्वाभाविक है। जो साहित्य होता है वो जो हमारा जन सामान्य है, जो हमारी जनता है, उसके विचारों पर अपनी छाप छोड़ने का एक सुदृढ़ संचार माध्यम है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन मीडियम का काम करता है लिटरेचर। मुखर्जी कहते हैं कि जो प्राचीन काल में हमारा साहित्य था वो संस्कृत में उपलब्ध था, और उस समय क्या था कि सामाजिक एकता और सामाजिक मूल्य हमारी संस्कृति में बहुत ही अहम भूमिका निभाते थे। इसके बाद क्या हुआ, मुस्लिम शासन काल में हिंदू और मुस्लिम संस्कृतियों का आपस में आदान प्रदान शुरू हो गया और यहाँ के साहित्य का स्वरूप भी फिर परिवर्तित होने लगा। तो मतलब पुराना समय जो था वो
साहित्य का एक अलग ही समय था, एक अलग ही रूप देखने को मिलता है। उस समय आपको साहित्य पूरी तरीके से संस्कृत में देखने को मिलता है, और उस समय सामाजिक एकता और सामाजिक मूल्य आपको जो है समाज में प्रभावी दिखाई देते हैं। लेकिन जब मुस्लिम का शासन काल आया, तब क्या हुआ, हिंदू और मुस्लिम दोनों संस्कृतियां आपस में कम्युनिकेट हुई, दोनों में अंतर्क्रिया हुई हुआ, और जिसका परिणाम क्या हुआ कि हमारे सामने दिखाई दिए सूफी संत। ठीक है, अब हमारे सामने भक्ति संप्रदाय के बाद सूफी संत दिखाई देते हैं, जिसमें से आप जानते होंगे कबीर और गुरु नानक जो कि प्रमुख हैं। उसके बाद क्या हुआ, ब्रिटिशर्स आए, तब क्या हुआ, एक ऐसा साहित्य शुरू हुआ जिसमें आपको तर्क प्रधान दिखाई देता है, मतलब जिसमें लॉजिक सबसे ज़्यादा आपको दिखाई देता है, साइंस का प्रभाव दिखाई देता है, जिससे क्या हुआ, जनता में एक नई चेतना, एक नई जागरूकता पैदा हुई। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि डीपी मुखर्जी ने अपनी पूरी थ्योरी कल्चरल डाइवर्सिटी यानी कि सांस्कृतिक विविधताएं में स्पष्ट किया है कि जो भारत की संस्कृति है वो एक ऐसी प्रोसेस है, वो एक ऐसी प्रक्रिया है जो समन्वय और आत्मसात पर हमेशा से आधारित रही है। ठीक है, इसके अलावा वो एक सुझाव देना चाहते हैं। वो कहते हैं कि आज जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारी भारतीय संस्कृति पर जो है वेस्ट का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलता है, पश्चिम का बहुत ज़्यादा प्रभाव देखने को मिल रहा है, तो हमें इस चीज़ की विरोध करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमें ये समझना चाहिए कि संस्कृतियों के समन्वय की एक ये नई कड़ी की शुरुआत है, एक नई कड़ी शुरू हो रही है। जैसे कि शुरू में हमारे भारत में बहुत सारी संस्कृतियाँ आती गईं, जिसमें कि आपको मुस्लिम्स दिखाई देते हैं, मुस्लिम्स की संस्कृतियों से हम जो है जुड़े। उसके बाद अब एक नई संस्कृति हमारे भारत में आ रही है जो कि है वेस्टर्न कल्चर, तो हमें इसका विरोध नहीं करना चाहिए, बल्कि इसे अपनाने की कोशिश करनी चाहिए, जो कि डीपी मुखर्जी कहते हैं शुरू से ही चलता हुआ आ रहा है हमारी भारत की संस्कृति में। होप आपको समझ आया होगा, इसके आप नोट्स बनाने की कोशिश करिएगा, जो भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे क्लास में आकर के पूछ सकते हैं। ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स।